अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको खड़े मसाले की फ़िश बनाना सिखा रही हूँ। रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम चूल्हे पे एक फ्राई पैन एक कढ़ाई रख लेंगे। अब हम चूल्हे को ऑन करके इसको हल्की आँच पर छोड़ देंगे। हमारा फ्राई पैन गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे ताकि हम इसमें फिश फ्राई कर सकें। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम फिश के पीसेस डाल के फ्राई करेंगे। मैंने तकरीबन 800 ग्राम फिश ली है। अब हम इसे ढक देंगे और 5 से 10 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब दूसरी तरफ कढ़ाई में हम 1 कप ऑयल डालेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 8 से 10 साबुत लाल गोल मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून साबुत धनिया डालेंगे। हम इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। 2 बड़ी इलायची हैं और 3-4 दालचीनी के टुकड़े हैं, 6-8 लौंग हैं और 8 से 10 काली मिर्चें हैं। अब इसमें हम प्याज डालेंगे 3 अदद जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी, जिसका वज़न 400 ग्राम है। चूल्हे की आंच को हल्का कर लेंगे और इसे हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। हमारी फ़िश अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। हमारी प्याज को फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, अच्छी सी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून।
दो से तीन मिनट हम इसे अच्छा सा फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन की खुशबू निकल जाए। अब हम इसमें एक टेबलस्पून नमक डालेंगे, एक टीस्पून इसमें काली मिर्च डालेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें तीन से चार टमाटर जो मैंने चॉप करके रखे हुए थे वो डाल देंगे। अब हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी वो शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसमें फ्राइड फिश शामिल कर देंगे और 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। लीजिए, हमारे खड़े मसाले की फिश तैयार है।